Today we are going to start a new topic, that is surface tension. It is included in the first semester physics honors. In this chapter we have to study about the surface tension and its properties, different types of surfaces, that is concave, convex, plane surface, determination of surface tensions by Jaeger method, and then Twinkies method, then what are the gravity waves and ripple waves, and the surface tension dependence on the temperature. So इस चैप्टर में हम लोग इसको तीन चार पार्ट में डिवाइड करेंगे. मैक्सिमम तीन से चार पार्ट में ये हम लोग इस सिलेबस को कवर करेंगे. सो फर्स्ट आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सरफेस टेंशन होता क्या है और सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज सरफेस टेंशन. द सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड by which the free surface of the liquid behaves like a stretch membrane. Stretch membrane हम लोग जानते हैं biological term है, मतलब जिसको हम लोग झिल्ली भी कहते हैं. एक तनाव या फिर एक टेंशन हो उसके फॉर्म में होगा और सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी के चलते ये कोई भी लिक्विड जो है मिनिमम सरफेस एरिया को कवर करता है. जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर है, आप एक दो अगर स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर ले रहे हैं और इसको काफी नजदीक में ले आए तो ये दोनों मिलके एक बड़ा सा ड्रॉप बनाता है. दैट मीन्स ये इसके दोनों का एक प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूल्स का, जिसके चलते ये है दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्ट होने के बाद एक सरफेस एरिया जो है इन लोग का, तो दोनों का करके एक सिंपल से बड़ा ड्रॉप बनाता है. सो द सरफेस टेंशन इज दैट प्रॉपर्टी. नाउ ये प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और सर्फेसिस में अलग अलग होते हैं. सो एज वी नो दैट जो दो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स लगते हैं और इंटरमोलिकुलर फोर्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज फोर्स ऑफ कोहेजन एंड द फोर्स ऑफ एडिशन. सो व्हाट इज फोर्स ऑफ कोहेजन? कोहेजन का डेफिनेशन यहाँ पे है हमारा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस. याद रखना यहाँ पे सेम सब्सटेंस का टर्म यूज हुआ है, मतलब सब्सटेंस जो होगा सेम मॉलिक्यूल का होगा, इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ कोहेजन. इट इज मैक्सिमम इन सॉलिड, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, लेसर इन लिक्विड, एंड लीस्ट इन द गैसेस, गैस में ये सबसे कम होता है, दिस इज कॉल्ड कोहेजन. एंड देन आते हैं हम लोग फोर्स ऑफ एडिशन में, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ एडिशन. डिफरेंट सब्सटेंसेस में जो हमारा फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिशन. जैसे हम लोग फेविकोल यूज करते हैं या ग्लू यूज करते हैं तो पेपर को या वुड को स्टिक करने के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो दो अलग अलग सर्फेसेस के बीच में जो ये लगता है फोर्स जो दोनों को बांध के रखता है ग्लू, दैट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ एडिशन. फेविकोल्स के पीछे बैक साइड में भी हमारा लिखे रहता है एडिशन, एडिशिव फोर्स, ये सब आप लोग ध्यान में देख सकते हैं. नाउ हम लोग डिफाइन करेंगे सरफेस टेंशन. द सरफेस टेंशन कैन बी मेजर्ड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन एन इमेजिनरी लाइन. अगर किसी भी लाइन में इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे लिक्विड सरफेस पे, एक लिक्विड सरफेस है उसमें अगर हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम लोग डिफाइन करेंगे सरफेस टेंशन, विच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ द आइदर साइड ऑफ द एवरी पॉइंट. तो हम लोग के आइदर साइड में अगर हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं लिक्विड सरफेस पे तो ये दो दोनों सरफेस पे दोनों साइड में इसका फोर्स ये लगेगा, एंड टेंजेंशियल टू द लिक्विड, लिक्विड पे ये टेंजेंशियल होगा, इस तरह से टेंजेंशियल. तो सिंपल डेफिनेशन सेज दैट सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स बाय लेंथ, that is F divided by L. So ऐसा यूनिट हो जाएगा इसका हमारा न्यूटन पर मीटर, that is unit of force is newton, length is meter, so newton per meter. And dimension formula अगर हम लोग कैलकुलेट करें MLT के फॉर्म में तो ML0T2-2. अब आते हैं नेक्स्ट सरफेस एनर्जी. सो द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस फिल्म इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया. सो इसके लिए हम लोगों ने एक बीकर टाइप का लिया है, यहाँ पे लिक्विड सरफेस रखा हुआ है
और ऊपर के एक इमेजिनरी सरफेस को हम लोगों ने लिया और ये हमारा एरिया कैलकुलेट हुआ. द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एट रेस्ट टेंड्स टू हैव मिनिमम एरिया पर यूनिट एंड देयरफॉर इट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन. मतलब ये हमेशा मिनिमम एरिया को कवर करने की कोशिश करेगा और इसलिए ये एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह झिल्ली की तरह काम करेगा. सो सरफेस एनर्जी इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया. और एनर्जी के लिए हम जानते हैं इट इज वर्क डन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया. सो सरफेस एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा. इसको हम लोग बाद में देखेंगे भी कि सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच में हम लोग कैसे रिलेशन फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी. हम लोगों ने देखा कि सरफेस टेंशन जो होता है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है और सरफेस एनर्जी जो होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है. अब इस दोनों टर्म में क्या रिलेशन है, इसके लिए हम लोगों ने एक वायर लिया है, रेक्टेंगुलर वायर एबीसीडी. सो लेट अस कंसीडर ए रेक्टेंगुलर फ्रेम एबीसीडी मेड ऑफ ए वायर सच दैट क्रॉस पीस एलएम, ये जो क्रॉस पीस है यहाँ पे एलएम, ये मूव करता है आगे पीछे. कैन जस्ट स्लाइड वायर फ्रेम इज डिप इन ए सॉफ्ट सॉल्यूशन. ऑब्वियसली इसको सॉफ्ट सॉल्यूशन में करेंगे तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, एक फिल्म प्रोड्यूस होगा. जैसे सॉफ्ट सॉल्यूशन में करने से एक फिल्म बनता है, फिल्म कहने का मतलब कि बबल टाइप का. सो दैट द फिल्म इज फॉर्म ओवर द फ्रेम ड्यू टू द सरफेस टेंशन द फिल्म विल हैव द टेंडेंसी टू श्रिंक एंड देयरफॉर द क्रॉस सेक्शन एलएम विल पुल्ड इनवर्ड डायरेक्शन. दैट मींस अब ये यहाँ पे जो फिल्म प्रोड्यूस हुआ तो सरफेस टेंशन के प्रॉपर्टी के चलते क्या होगा, ये मिनिमम सरफेस एरिया को कवर करना चाहेगा तो ये जो है इस वायर के बीट को क्या करेगा, अपनी ओर इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्स लगा के अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा. कौन से फोर्स से, टी इंटू टू एल, टी इंटू टू एल, टी हमारा यहाँ पर टेंशन है या फोर्स भी इसको हम लोग कह सकते हैं और टू एल क्यों लिया है. तो अभी अगर देखा जाए तो अगर ये क्रॉस वायर है तो सॉफ्ट सॉल्यूशन में जो हमारा फिल्म बनता है वो पहले वाले सरफेस में, अपर सरफेस में और एक लोअर सरफेस, दोनों सरफेस में बनेगा. तो टोटल लेंथ कितना कवर होगा, 2L. सो देयरफॉर वी हैव टेकन 2L. सो सेक्शन LM विल बी पुल्ड इनवर्ड डायरेक्शन. हाउएवर क्रॉस सेक्शन कैन बी हेल्ड इन दिस पोजीशन अंडर द फोर्स F व्हिच इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द क्रॉस पीस LM ऑल अलोंग इट्स लेंथ ड्यू टू सरफेस इन द सॉफ्ट फिल्म. इफ T इज द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ, T को हम लोग क्या मान रहे हैं, फोर्स पर यूनिट सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ मान रहे हैं. तो हम लोग जानते हैं कि सरफेस टेंशन टी को हम लोग यहां पे माने हैं सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ. ठीक है, टी इज सरफेस, टी इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ. तो टी यहां पे 12 है क्योंकि ये दोनों साइड में हमारा लेंथ प्रोड्यूस हो रहा है. तो टी को जब हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सरफेस टेंशन जो है फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या डिफाइन करेगा, फोर्स हमारा डिफाइन करेगा F is equal to T into 2L. The film has two free surfaces, therefore 2L is taken. क्लियर है यहाँ पे, बहुत इजी है. टी जो है सरफेस टेंशन है और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ यहाँ पे हमारा 2L. तो इस दोनों टर्म को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे T into 2L तो क्या मिलेगा, फोर्स. सो दैट फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू T into 2L. 2L क्यों लिया गया है, क्योंकि इट हैज टू फ्री सरफेसेस. जैसे हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया एक अपर सरफेस और एक लोअर सरफेस होता है सॉफ्ट सॉल्यूशन. लेट द क्रॉस वायर LM इज मूव थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस x एंड टेक इन द फॉर्म L'M'. अब ये जो क्रॉस वायर है इसको हम लोग मूव कर रहे हैं यहाँ से यहाँ की ओर. कितना डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, एक्स डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, इसे ध्यान रखना है. और इसका न्यू पोजीशन हो जा रहा है यहाँ पे एल डैश एम डैश, पहले एल एम पे था अब इसका न्यू पोजीशन हो गया एल डैश एम डैश. अब इस पोजीशन में जब मूव किए तो कितना वर्क डन, क्योंकि हमको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है और एनर्जी जो होता है वर्क डन के बराबर होता है. तो इन दिस केस में वर्क डन जो होगा वो हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स, और एफ का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है टी इंटू ट्वेल्व, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे. W is equal to हो जाएगा T into 2L into X. Now according to the definition of surface energy is equal to work done divided by increase in area.
वर्क डन हम लोगों ने फाइंड किया टी इंटू टू एल इंटू एक्स, और इंक्रीज इन एरिया क्या है, इंक्रीज इन एरिया हमारा है कितना, इंक्रीज एरिया होगा डिस्टेंस जो है वो एरिया होगा। एरिया क्या है ये, एरिया एक तरह का हमारा क्या है, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हमारा 2l है, ब्रेथ क्या है x है, तो ये हो जाएगा x इंटू 2l, यहाँ पे x इंटू 2l, तो यहाँ से 2l 2l कैंसिल हो जाएगा, x और x कैंसिल हो जाएगा, तो सरफेस एनर्जी जो है वो t के बराबर, और t क्या है मेरा सरफेस टेंशन। सो न्यूमेरिकली सरफेस एनर्जी है वो किसके बराबर होता है, सरफेस टेंशन के बराबर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि सरफेस टेंशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेगर्स मेथड। डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग मेथड से सरफेस टेंशन को फाइंड करने के लिए बताया गया, और उसके आगे फिर हम लोग देखेंगे किंकीज मेथड क्या होता है, ग्रेविटी रिपल वेव्स क्या होता है, तो हम लोग अगले के लेक्चर्स में वीडियोज में डिटेल्स में